नमस्कार, देवी वासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पगला बाबा द्वारा रचित अखंड महालक्ष्मी मंत्र प्रयोग की चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस कलयुग में इस मंत्र की इतनी ज्यादा महिमा क्यों मानी जाती है। पगला बाबा विंध्याचल के पास रहने वाले अघोर साधक माने जाते थे। अघोर पंथ के साधकों में बहुत सी शक्तियां मानी जाती हैं। बहुत से राजनेता, नेता, अभिनेता सभी इनके शिष्य माने जाते हैं। इनके भक्त में लालू यादव का भी नाम आता है। कहा जाता है कि इनके द्वारा रचित लक्ष्मी प्रयोग से लोग रंक से राजा तक बन गए हैं। इन्होंने तंत्र के क्षेत्र में कई शक्तिशाली मंत्रों की रचना की थी। इनके तीखे तेवर व अटपटे बोल की वजह से लोग इन्हें पगला बाबा कहने लगे थे। अप्रैल 2017 में इनका निधन हुआ, लेकिन आज भी इनके द्वारा रचित लक्ष्मी मंत्र प्रयोग से लोग आज भी सफलता की ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। पगला बाबा का अखंड लक्ष्मी प्रयोग प्रचंड शक्तिशाली माना जाता है, बहुत ही अचूक माना जाता है। इसके अनेकों लाभ मिलते हैं, जैसे कि शरीर व धन की पूर्ण सुरक्षा होती है, धन के खो जाने या नुकसान हो जाने का भय नष्ट होने लगता है, हर तरह का भौतिक सुख यानी पारिवारिक सुख, आर्थिक सुख, संतान सुख की प्राप्ति होती है, शत्रु शांत रहता है, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है, व्यवसायिक लेन देन में सफलता मिलती है, कार्य में आने वाली सभी अड़चने धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, धन प्राप्ति के स्रोत बढ़ने लगते हैं, रुके हुए धन संबंधी सभी कार्य पूरे होने लगते हैं, जमीन जायदाद में बढ़ोतरी होती है, दिए गए कर्ज की वापसी होनी शुरू हो जाती है, शादी विवाह में आने वाली रुकावटें नष्ट होने लगती हैं, घर परिवार में खुशहाली फिर से आने लगती है, संतान का स्वभाव बुरे आचरण से अच्छे आचरण में बदलना शुरू हो जाता है, विवाहित जीवन सुखमय रहता है। अब जानते हैं इस मंत्र का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी लाल आसन पर बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए वे किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें, जितने देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, फिर अपने मणिपुर चक्र पर यानी हार्ट के नीचे और नाभि के ऊपर ध्यान देते हुए अखंड लक्ष्मी मंत्र ओम ह्रीम ऐश्वर्य श्रीम धन धान्य प्राप्तये ऐं पूर्णत्व लक्ष्मी सिद्धये नमः। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ओम ह्रीम ऐश्वर्य श्रीम धन धान्य प्राप्तये ऐं पूर्णत्व लक्ष्मी सिद्धये नमः। इस तरह से इस मंत्र का उपांशु जाप करें। उपांशु जाप का अर्थ है धीमी आवाज में जाप करना, तथा इस जाप को रोज 20 मिनट तक जाप करें और 27 दिन तक नियमित रूप से इसका अभ्यास करना है। फिर 28वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। वाणी कन्या को भोजन व कपड़े दान देने से कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। याद रखें, पैसे दान न करें। पैसे दान करना चाहते हैं तो किसी मंदिर की दान पेटी में दान करें। याद रखें, यह 27 दिन का प्रयोग है। इस मंत्र को किसी भी शुक्ल प्रतिपदा, पुष्य नक्षत्र, दिवाली, नवरात्रि या किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस मंत्र को गुरु पुष्य नक्षत्र या दीपावली की रात करना चाहते हैं तो 101 माला मंत्र जपें। अब कुछ जरूरी नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ या सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना अधिक लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल के क्षेत्र, होटल व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली आपको लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है।
याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलता है। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार को त्याग दें या उसमें कमी करें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में या घर के मंदिर में किया जा सकता है। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रुली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रुली मुद्रा क्या है और इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 2 दिन का हिप्नोटिज्म वर्कशॉप मुंबई में शुरू होने जा रहा है। अगर आप हिप्नोटिज्म सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का महाकाली साधना शिविर होने जा रहा है, जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। अगर आप भाग लेकर साधना करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।